वेलकम टू फ्लेवर स्टोरी। ना मैदा ना आटा, वेज स्प्रिंग रोल बनाने का एकदम नया और आसान तरीका। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने कुछ वेजीज ली हैं। इसे मैंने पतले पतले और लंबे टुकड़ों में इस तरह से काट लिया है, और साथ में मैंने गाजर को पतले टुकड़ों में काट लिया है, और तीनों कलर की यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ली है, साथ में पत्ता गोभी को बारीक बारीक काट लिया है। गैस पर मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई चढ़ा दी है, साथ में 2 चम्मच तेल डाल दिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन और इसी के साथ 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। कुछ सेकंड इसे हम सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज, जिसे हमने पतला पतला और लंबे टुकड़ों में काटा है। इसी के साथ गाजर को भी ऐड कर देंगे। कुछ सेकंड इसे भी चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। गाजर को पकने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने गाजर को पहले डाल दिया है। अब इसी के साथ हम सारी सब्जियों को इसमें ऐड कर लेंगे। मेरे पास ये सारी सब्जियां थी, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर लिया है। आपके पास जो भी सब्जी हो उसे आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीन्स भी इसमें डाल सकते हैं, और जो नहीं है उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। इसके अलावा अब हम इसमें और कुछ नहीं डालेंगे। आप इसमें सोया सॉस, रेड चिली सॉस, विनेगर वगैरह डाल सकते हैं। और भी हेल्दी बनाने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे पनीर। पनीर को इसमें हम कद्दूकस करके डालेंगे, और इस तरह से आप देख सकते हैं अच्छी तरह से इन्हें हम मिला लेंगे। फिलिंग हमारी तैयार हो गई है, इसे हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक इसके लिए हम आटा लगा लेते हैं। इसे मैं ना मैदा से बनाऊंगी ना ही आटे से, इसे हम बनाएंगे सूजी से। यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी सूजी ली है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच तेल। तेल और नमक को सूजी में अच्छी तरह से पहले हम मिला लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर गुनगुना पानी किया है, और इसे थोड़ा थोड़ा डालकर इसका हम आटा लगाएंगे। सूजी का आटा हमेशा गुनगुने पानी से ही लगाना चाहिए, तभी ये गेहूं के आटे की तरह लचीला और बढ़िया बनकर तैयार होता है। इसे हमने खूब मसल मसल कर अच्छी तरह से तैयार कर लिया है, और आप देख सकते हैं इसमें खूब खिंचाव आ रहा है इस तरह से, यानी हमारा आटा परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। 15 मिनट के लिए इसे ढककर रख देंगे, ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। जब तक आटा सेट हो रहा है, तब तक हम छोटा सा काम कर लेते हैं। यहाँ पर हम स्लरी बनाएंगे। इसके लिए हमने 1 चम्मच गेहूं का आटा लिया है, और इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। अभी इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम आटे को चेक कर लेते हैं। सूजी तो पानी अच्छे से पीती है, और आटा काफ़ी सख्त है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे हम सॉफ्ट करेंगे, ताकि सीड्स हमारी अच्छी बन सके। यहाँ पर आटा मैंने अच्छी तरह से लगा लिया। अब एक लोई लेंगे, और उसे रोटी के बराबर हम बेल लेंगे। इसी तरह से सारी सीड्स को हम बेलकर तैयार कर लेंगे। इसे हमें मोटा नहीं बेलना है, इस तरह से एकदम पतला पतला, इस तरह से सारी सीड्स को हमने तैयार कर लिया है। इसे अभी हमें सेकना नहीं है, क्योंकि इसे हम 2 तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले एक रोटी लेकर, जो स्टफिंग हमने तैयार की थी, उससे हम इसका रोल बना लेंगे। और इधर गैस पर मैंने पहले से ही पैन चढ़ा दिया था, 2 चम्मच तेल डालकर गर्म कर लिया है। तैयार किए हुए रोल्स को इसमें हम डाल देंगे, और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। अब धीरे से इसे हम पलट देंगे, और दूसरी तरफ से भी इसे हम सेक लेंगे। आप दोनों तरह से बना सकते हैं। जिसे तल के नहीं खाना है तो वो इस तरह से बना सकता है, और बहुत ही आसान है इस तरह से बनाना। और आप देख सकते हैं दोनों तरफ से क्रिस्प और एकदम लाल सिक्कर तैयार हुआ है। आपको हम एक तोड़कर भी दिखाते हैं इसके अंदर की फिलिंग। चलिए अब दूसरे तरीके से बना लेते हैं। जो सीड्स हमने तैयार किया था उसे अब हम सेक लेंगे। तो गैस पर मैंने तवा चढ़ा दिया है, और फ्लेम को लो रखेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, बस हल्का सा इसे हम पलट पलट कर सेक लेंगे। तो इस तरह से बहुत जल्दी ये सिक जाते हैं, और हमने सारे सीड्स को बनाकर तैयार कर लिया है। सारे सीड्स को हम साफ कपड़े से ढक कर रखेंगे, नहीं तो ये ऊपर से सूखने लगेंगे। अब लेंगे एक सीड, और जो हमने स्टफिंग तैयार की थी इसके ऊपर रख कर इसे हम दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे, और जो घोल हमने तैयार किया था उसे लगाकर इसे हम फोल्ड कर देंगे। इधर गैस पर मैंने पहले से ही कढ़ाई में तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें हम तैयार किए हुए रोल्स को डालेंगे, और इसे दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए हमें तलना है। आपने मैदे से बना हुआ स्प्रिंग रोल तो बहुत बार खाया होगा, लेकिन इसे मैंने सूजी से बनाया है, तो ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। इसे आप बच्चों को टिफिन में आसानी से बनाकर दे सकते हैं, या शाम को चाय के साथ भी बना सकते हैं। सूजी से बनी हुई बहुत सारी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, तो आप उसे ज़रूर से देखिएगा।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी से बना हुआ स्प्रिंग रोल एकदम क्रिस्प बनकर तैयार हुआ है। इसे मैंने दो तरह से बनाया है, आप किसी भी तरह से इसे बना सकते हैं। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।